हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, या फिर आप बोल सकते हो ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है वो स्टार्ट कर दिया गया है। लिंक अब काम करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप DUP ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का जो लिंक है यहाँ पर आप जाओगे। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे बीच में आपको दो अलग अलग लिंक मिलेंगे, ठीक है। एक जो लिंक है वो रेगुलर और NCVAP के स्टूडेंट के लिए है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए। और जो दूसरा वाला लिंक है ये सिर्फ SOL के स्टूडेंट के लिए है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए। तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, नीचे वाले लिंक पे। देन दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको अपनी ID क्रिएट करनी है सिंपल सी भाषा में, ठीक है। ऊपर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये आपको समझ लेने हैं। लाइक यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो ये जो पहला स्टेप है, ये लोग बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो DU के पोर्टल पे जाकर, जहाँ से आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, एग्जाम रोल नंबर वगैरह, प्रोग्राम नेम वगैरह, ठीक है। अच्छा, अगर आप बेसिक डिटेल एंटर कर दोगे आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर और फ़ोन नंबर पर, ठीक है। अब उस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो मॉक टेस्ट है वो आपका स्टार्ट हो सकता है। यही फर्स्ट स्टेप जो ये रजिस्ट्रेशन है, ये जो आपको पासवर्ड और एग्जाम रोल नंबर के थ्रू लॉगिन करना होगा, यही आपको एग्जाम वाले दिन भी करना होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में अपियर हो या ना हो, इसका रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर करना है। अच्छा जी, ऑन द डेट ऑफ फाइनल OB एग्ज़ाम, तो यहाँ पे फाइनल OB एग्ज़ाम की डेट लिख आपको क्या करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, पहले आप लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन शो होगी जो ये दिखाएगा कि कितनी देर में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यानी कि अगर सपोज 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम है और आप 1:30 बजे लॉगिन करके बैठ गए तो वहाँ पर 1 घंटा शो होगा, या 2 बजे लॉगिन करके बैठ गए तो वहाँ पर आधा घंटा शो होगा, ठीक है जी। कम से कम आपको 30 मिनट पहले लॉगिन करना है ताकि फिर कुछ दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस पर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड कर लोगे, चाहो तो उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो अगर ज़रूरी है तो, वरना नहीं लेना प्रिंट आउट। क्वेश्चन पेपर विल बी रिलीज ऑन द पोर्टल एट द कमेंसमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेशन। यानी कि जैसे अगर 7:30 से 11:30 का टाइम है तो 7:30 बजे ही वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर जा सकते हो। उसकी जानकारी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर घर से आप ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो वहाँ जाकर दे सकते हो, ठीक है जी। अगर कोई दिक्कत आती है आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में पोर्टल से, तो आप अपने पर्टिकुलर कॉलेज से कांटेक्ट करोगे, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन पेपर ईमेल या फ़ोन नंबर पे प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेल के थ्रू, ठीक है। अभी SOL की वेबसाइट पर जल्द ही काफ़ी सारे डेजिग्नेटेड ईमेल और फ़ोन नंबर प्रोवाइड करे जाएंगे, तो वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करते रहनी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड कर लोगे तो स्क्रीन पर टाइम दिखाएगा 3 घंटे। हाँ जी, आपके 3 घंटे अब स्टार्ट हो गए हैं। अब आप क्वेश्चन पेपर करिए सोल्व और उसको 3 घंटे के अंदर स्कैन भी कर दीजिए। अच्छा, टाइम ट्रैकिंग तो आपको पता ही है, टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 5 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट 3 सेशन में हो रहा है, 4 से लेकर 8 जुलाई में। आप जिस भी दिन मर्जी हो आपके उस दिन लीजिए, और जिस भी सेशन में सुइटेबल हो उस दिन लीजिए, ठीक है। अच्छा, वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट विद इन द स्टेबलेट टाइम, ठीक है। द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, अच्छा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, अब आप आंसर लिखोगे। सुनो, स्टूडेंट विल राइट देयर आंसर टू द क्वेश्चन ऑन A4 साइज वाइट पेपर इन ओन हैंड राइटिंग। द आंसर आर टू बी रिटन यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन। ब्लैक या ब्लू पेन के इस्तेमाल से आप आंसर लिखना शुरू करोगे A4 साइज पेपर पर, वाइट रूल्ड हो या प्लेन हो, ठीक है। और आपको लिखना क्या क्या है, आपको आपका नाम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जाम रोल नंबर। सेमेस्टर रेगुलर वालों को लिखना है, जो SOL वाले हैं वो पार्ट लिखेंगे, पार्ट 1 या 2, ठीक है, या 3। एग्जाम रोल नंबर आ गया, यूनिक पेपर कोड। यूनिक पेपर कोड सब कुछ आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा, किस दिन आपका पेपर है, पेपर का नाम क्या है और टाइमिंग क्या है, वो सब चीज़ें आपको फर्स्ट शीट पर लिखनी है, ठीक है। और हर शीट के लिए, हर आंसर के लिए सेपरेट शीट जो आप यूज़ करोगे, क्योंकि हर आंसर की अलग अलग PDF आपको बनानी है, ठीक है। आंसर लिखने के बाद आपको अपलोड करनी है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन के आगे अलग अलग टैब मिलेगा अपलोड करने का, वहाँ पर जाकर आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो ये तो PDF कैसे बनाते हैं उसका तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लेना। वंस द स्टूडेंट अपलोड ऑल द आंसर शीट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, दे शुड क्लिक द बटन फॉर द UFM। जब आप सारी आंसर शीट अपलोड कर दोगे तो वहाँ पर एक UFM का ऑप्शन आएगा, डायरेक्शन डिक्लेरेशन का, अंडरटेकिंग का।
यूएफएम का मतलब है अनफेयर मीन्स, आपने कोई भी अनफेयर मीन्स एग्जाम के दौरान यूज़ नहीं करा, तो उस ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा, ठीक है, जब आप आंसर शीट स्कैन कर दोगे तो, एंड लॉग आउट फ्रॉम द पोर्टल, और पोर्टल से आप लॉग आउट कर दोगे। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द आंसर शीट स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड वाया ई मेल और SMS। जब आप सब कुछ सबमिट कर दोगे तो आपको ई मेल और SMS के थ्रू पता लग जाएगा कि आपकी आंसर शीट स्कैन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, नोट में अभी साफ साफ लिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट जो है OBE एग्जाम से बिल्कुल भी कंपेयर ना करो। मॉक टेस्ट केवल और केवल एक मकसद है, ताकि आप अवेयर हो जाओ किस तरीके से आंसर शीट को अपलोड करके, अपलोड करना है PDF बनाकर, वो सब चीज़ें। मॉक टेस्ट का जो तो एग्ज़ाम आएगा या पैटर्न आएगा, उसको आप ओपन बुक एग्जाम से कंपेयर ना करो, ठीक है। मॉक टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रोसीजरल स्टेप्स रिलेटेड विद OBE मोड ऑफ एग्जाम एज टू बी कंडक्टेड रिमोटली। क्वेश्चन पेपर गिवन फॉर मॉक टेस्ट आर नॉट ओनली इंडिकेटेड एंड मे नॉट बी टेकन अ वर्जन बेस्ड ऑन रियल OBE, ठीक है जी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको आप OBE से कंपेयर ना करें, ठीक है जी। 4 जुलाई से 8 जुलाई तक मॉक टेस्ट होगा। ऑल स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो द प्रोसीजर एंड विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एनी अपडेट रिलेटेड विद द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट विल बी रिलीज विल बी अवेलेबल ऑन 7। मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल ऑन 7। अच्छा, ये यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा हुआ, 4 जुलाई लिखना था इनको, ठीक है। शेड्यूल ऑफ द मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप आओगे नीचे, यहाँ पे आपसे मांग रहा है साइन इन ई मेल और एग्ज़ाम रोल नंबर और पासवर्ड। अब चूँकि आपका अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, आप नीचे आओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ आपसे डिटेल मांगी जाएंगी। आपको मोड सेलेक्ट करना है, एनुअल मोड है या सेमेस्टर मोड है। आप ईयर मोड सेलेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि आप SOL में हो। देन यहाँ पे प्रोग्राम, सपोज आपका BCom ऑनर्स है। देन यहाँ पे नेम एज ऑन एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं डैशबोर्ड में, ठीक है। वहाँ पे जो नाम लिखा हुआ वो यहाँ पे नाम लिखोगे आप। एग्जामिनेशन रोल नंबर, उसी एडमिट कार्ड में एग्जाम रोल नंबर है वो लिखोगे। देन यहाँ पे एक कैप्चा कोड है, इसके थ्रू सबमिट कर दोगे, ठीक है। आगे स्टेप में नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड होगा, तो सबमिट कर दोगे। देन आपका एग्जाम रोल नंबर पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसको क्रिएट होने के बाद देन वापसी आप पीछे आके उसके थ्रू साइन इन करोगे, ठीक है। इस बार लॉग इन करके जो भी आपको क्वेश्चन पेपर आएगा वो शो हो जाएगा मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है और जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है देन उसको आंसर शीट को स्कैन करना, वो इसी तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई और फर्दर क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।